नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बताना तो पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। जब भी कहीं मोहब्बत का जिक्र होता है तो साथ में ताजमहल के चर्चे जरूर होते हैं। दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताजमहल को दुनिया मोहब्बत की निशानी के तौर पर जानती है। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज के मोहब्बत के किस्से ताज के सफेद संगमरमर की दीवारों पर दर्ज हैं। लेकिन 17वीं सदी के इस मकबरे को लेकर 400 साल बाद आज देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। एक हिंदू संगठन के लोग ताजमहल में शिव चालीसा का पाठ करने पहुंच गए। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था और शाहजहां ने उसे तोड़कर मकबरा बनवा दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार भी ताजमहल को तेजो महल यानी भगवान शिव का मंदिर बता चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से इतिहास के पन्नों को पलटकर ताजमहल से लेकर टीपू सुल्तान तक को विवाद में घसीटा जा रहा है और इतिहास को झुठलाने की भरपूर कोशिश हो रही है। ऐसे में बताना तो पड़ेगा कि ताजमहल पर क्यों छिड़ा है संग्राम, ताजमहल में शिव चालीसा क्यों, ताजमहल प्रेम का प्रतीक या तेजो महल, क्या इतिहास को बदलने की तैयारी हो रही है। ताजमहल के आंगन में शिव चालीसा की ये सुरलहरी इतिहास को बदलने की कवायद है। ये हिंदुवादी संगठनों की तरफ से ताज के खिलाफ चल रही मुहिम का नया अध्याय है। ये मोहब्बत के मकबरे को शिवालय साबित करने का प्रयास है। कल हिंदुवादी संगठन के लोग ताजमहल के प्रांगण में बैठकर अचानक शिव चालीसा का पाठ करने लगे। राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी के ये कार्यकर्ता मोबाइल के जरिए फेसबुक लाइव भी कर रहे थे। ताजमहल के आंगन में शिव चालीसा के सुर से सनसनी मच गई। ताज की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में लिखित माफीनामा लेकर इन लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद ताज को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कार्यक्रम कोई नहीं था, विवाद बेवजह बनाया जा रहा है। हम सिर्फ तेजो महालय पर आज सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करने आए थे। अब इसको कोई अगर कार्यक्रम या विवाद का विषय बनाता है तो ये मेरी नज़र में कोई विवाद का विषय नहीं है, लोग बनाने इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजमहल को लेकर सवाल सिर्फ इस छोटे हिंदूवादी संगठन ने नहीं उठाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विनय कटियार भी ताजमहल को भगवान शिव का तेजो महालय बता रहे हैं। दावा है कि मुगल बादशाह शहंशाह ने शिवालय को तोड़कर मकबरा बनवाया जिसे दुनिया आज ताज के नाम से जानती है। भगवान शंकर का वो स्थान है, वहां धतूरा है, नाग है, अष्टकोणी है, वहां पहले कलश था। ये बहुत सारी चीजें सब मंदिर की हैं। मुमताज कहाँ मरी, औरंगाबाद दफनाई गई, इसके बाद ला करके यहाँ दफना दिया, वहाँ सुखाड़ करके यहाँ ले आए, तो वो तो केवल अपना नाम करने के लिए मंदिर को नष्ट किया। एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ताज को लेकर छिड़ी जंग को देख आज शाहजहां और मुमताज की आत्मा भी रो रही होगी। दुनिया के सात अजूबों में शुमार सफेद संगमरमर की ये इमारत प्रेम का प्रतीक मानी जाती है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। हर साल दुनिया भर में लाखों सैलानी ताज का दीदार करने आते हैं, लेकिन मोहब्बत की ये मीनार आज सियासत का औजार बन गई है।
चंद रोज पहले यूपी के बीजेपी विधायक संगीत सोम ने मुगल बादशाहों को गाली देते हुए ताजमहल को कलंक का प्रतीक बता दिया था। कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार। विवाद बढ़ा तो खुद सीएम योगी ने ताजमहल को लेकर सफाई दी और कहा कि ये महत्व नहीं रखता कि ताजमहल किसने और क्यों बनवाया। देखिए, हमें इसकी तह में जाने की आवश्यकता नहीं कि ताजमहल क्यों बना, क्या किसने बनाया, किस उद्देश्य के लिए बनाया। महत्वपूर्ण ये कि ताजमहल भारत के मजदूरों की, भारत माता के सपूतों की खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। ताज को लेकर छिड़े घमासान के बीच परसों यूपी के मुख्यमंत्री योगी ताजमहल देखने जा रहे हैं। योगी ताज के भीतर आधा घंटा रुकेंगे और शाहजहां और मुमताज की कब्र भी देखेंगे। स्वच्छता का संदेश देने के लिए सीएम योगी खुद ताज के गेट पर झाड़ू भी लगाएंगे। लेकिन योगी के दौरे से ठीक पहले ताजमहल में शिव चालीसा के पाठ ने एक बार फिर विवाद के गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया है। इतिहासकार पीएन ओक अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में यह दावा करते हैं कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि शिव मंदिर है। किताब के मुताबिक ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महल है। ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि एक हिंदू राजा जय सिंह ने बनवाया था, लेकिन सरकारी इतिहास में ताजमहल को मकबरा ही बताया गया है। ताजमहल की सरकारी वेबसाइट जो यूपी पर्यटन विभाग के अंदर आती है, उसके मुताबिक ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा भी संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि इतिहास में कोई भी ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि ताजमहल किसी भी दौर में मंदिर था। बड़ा सवाल ये है कि आज ताजमहल के इतिहास को बदलने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों हो रही है? 17वीं सदी की इस इमारत को लेकर 21वीं सदी में गदर क्यों मचा है? क्या इतिहास के बहाने मुसलमानों पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए तो चर्चा की हम शुरुआत करें, उसके पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय हम आपसे सबसे पहले करवा दें। हसन देहलवी जी हैं मुस्लिम धर्मगुरु, पंडित अजय गौतम जी हैं धर्मगुरु, विनोद बंसल जी हैं नेता विहिप, राकेश त्रिपाठी जी नेता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी नेता एसपी और साथ ही ब्रजेश कुमार सिंह एडिटर जी हिंदुस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले विनोद बंसल जी आपका रुख करना चाहेंगे। नेता विहिप, ये इतिहास में जाने की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है और इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत पड़ रही है? कभी टीपू सुल्तान को लेकर विवाद और कभी अब ताजमहल को लेकर यहाँ पर विवाद। शिव चालीसा की बात करें, वो भी वहां पर शुरुआत हो गई है। ताजमहल को लेकर जो मोहब्बत की निशानी है, उसको लेकर विवाद क्यों? आज तो इसमें दो तीन चीज़ें को समझना पड़ेगा। जैसे आज जो आपने डिबेट किया कि भाई जो वहाँ पर शिव चालीसा पढ़ी गई, मुझे लगता है शिव चालीसा पढ़े जाने पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जितने भी भारत के अंदर ASI के मोनूमेंट हैं, उन मोनूमेंट्स में नमाज भी पढ़ी जाती है और ताजमहल में नमाज भी होती है, ये आपको पता है, और बाकी जब कई मंदिर भी हैं वहाँ पूजा भी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आज क्यों उन मतलब शिव भक्तों को रोका गया, उनको पकड़ा गया, उनको छोड़ा गया, ये ड्रामा मेरी समझ में नहीं आया एक्चुअली। मैं लेकिन बात सिर्फ शिव चालीसा की नहीं है, बात तो इतिहास को बदलने की और इतिहास को फिर से लिखने की बात है यहाँ पर। और दूसरे बात तो ये है सीधा कि ताजमहल है ही नहीं, तेजू महल है, तमाम बड़े नेता भी कह रहे हैं और कुछ हिंदूवादी संगठनों की बात करें वो अपील कह रहे हैं, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं? नहीं अस्तु जी, इस बात से मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट रखता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मामला इतना बड़ा है और वास्तव में ये देखिए, ये सबको पता है और आपका चैनल भी जानता है, आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इस बात का पता है कि इतिहास की विकृतियों ने हमारे देश को बहुत अंदर तक गहराई से जो है ना उसको दीमक की तरह चाटा है। आप देखिए कि जिस तरह से जो कम्युनिस्ट सोच वाले इतिहासकार थे, उन्होंने हमारी सच्चाई को बिल्कुल पर्दा डाल करके उसकी उल्टी कहानी लिखी उसमें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा चाहता सीधा सीधा कि भाई ये क्या है, इसकी अगर बात छिड़ी है तब इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार को एक डीप इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और पता लगाना चाहिए क्या है। जहाँ तक ताजमहल का सवाल है, इसमें कोई दोराय नहीं है,
कि हमारे लिए प्राइड है देश के लिए, जो हमारे देश के मतलब जो लोगों ने बनाया, देश के खून पसीने से बनाया। जहां तक साजा का सवाल है, ठीक है, अगर साजा ने को अच्छा मॉन्यूमेंट बनाया होता, अगर साजा ने बनाया होता तो आखिरकार उसने वहां क्यों नहीं बनाया जहां से वो आया था। इसमें हम लोग राकेश त्रिपाठी की भी राय जान लेते हैं, बीजेपी के नेता हैं। त्रिपाठी साहब, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विवाद से किनारा किया, आपकी पार्टी के एक एमएलए हैं संगीत सोम, उन्होंने इस विवाद को शुरू किया, आपकी पार्टी के सांसद हैं और केंद्र सरकार में संस्कृति मंत्रालय का जिनके पास जिम्मा है, उन महेश शर्मा ने कहा कि कहीं भी इतिहास में अभी तक इस बात के प्रमाण नहीं है कि ताजमहल कभी किसी वक्त जो है मंदिर था। फिर आखिर आपकी पार्टी या फिर आपसे जुड़े हुए जो संगठन है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर अभी विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि के नाते बंसल जी ये कह रहे हैं कि इस मामले में जो है वहां पर जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई वो मंदिर था, क्या बीजेपी भी स्टैंड को सपोर्ट कर रही है और या वो ये मानती है कि उसकी सरकार जो कि केंद्र में है, जिसने खुद कहा कि कभी मंदिर नहीं था, इस बात के पुख्ता जो है अभी तक प्रमाण कहीं नहीं है कि वहां पर कभी कोई मंदिर था, तो फिर ये विवाद क्यों? कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, मुझे लगता है उन तथ्यों की रोशनी में यदि हम इन चीजों को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि मुगल शासन काल में लाखों हिंदू मंदिरों को तहस नहस किया गया, क्षतिग्रस्त किया गया और उनकी पर उनके स्थान पर अलग अलग इमारतें खड़ी गई। ये ऐतिहासिक तथ्य है और कई स्थानों पर यह प्रमाणित हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ताजमहल कोई मंदिर था या नहीं था, क्योंकि इसकी सत्यता को पुष्ट करने के लिए मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है और भारत सरकार ने यही पक्ष संसद में भी रखने का काम किया है। लेकिन पीएन ओक ने जो एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक में इस बात की उन्होंने स्थापना की है कि ताजमहल के स्थान पर पहले कोई एक तेजो महालय था, मैं मानता हूं कि इस प्रकार के यदि कोई तथ्य है तो उन तथ्यों पर जरूर विमर्श होना चाहिए, उन तथ्यों पर जरूर जांच होनी चाहिए, उसके निष्कर्षों पर पहुंचा जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे कोई साक्ष्य अभी नहीं मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि वहां पर कोई मंदिर का स्ट्रक्चर था। यह बात जरूर है कि मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, एक बहुत शानदार इमारत है जिसको देखने के लिए विश्वभर से पर्यटक सैलानी उत्तर प्रदेश आते हैं, आगरा के ताजमहल को देखते हैं। लेकिन जिस तरह से आपके चैनल के ही प्रोमो में शुरुआत में कहा गया कि मोहब्बत की निशानी है, यह भी इतिहास में गलत तरीके से स्थापित किया गया है। यह मोहब्बत की निशानी नहीं है, यह गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। शाहजहां और मुमताज के जब रिश्ते को हम समझने का प्रयास करेंगे, इतिहासकारों की जुबानी, मैं इतिहासकारों का उल्लेख करूं, यदि अब्दुल हमीद लाहौरी और आमिर सालेह ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है बादशाहनामा, आप बादशाहनामा को यदि पढ़ते हैं, अफसर अहमद ने लिखी है एक ताजमहल या ममी महल, ये दो पुस्तकों का मैं उल्लेख करूंगा जो मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखी गई है। इन दोनों ही इतिहासकारों ने बड़े तफसील से लिखा है। सर, विश्लेषण तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? एक तरफ तो अभी योगी आदित्यनाथ दो दिन के बाद ही ताजमहल जाने वाले हैं, लेकिन बीच में और नेताओं की अगर बात करें वो तो यहां साफ कह रहे हैं कि वो तेजू महल है, ताजमहल है ही नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन तो कहीं ना कहीं नजर आ ही रहा है। संगीत सोम की बात कर लें, वो भी बीच में वो कह रहे हैं कि कलंक कथा है, उन्होंने तो कुछ और आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन तो नजर आता है, एक स्टैंड क्लियर नहीं है। आशुतोष जी, जब भी कहीं कुछ विद्वान बैठते हैं तो विद्वानों के बीच में मत भिन्नताएं होती ही है, भेड़चाल नहीं है ना कि कोई एक चला और उसके पीछे सब चलेंगे। मतभिन्नताएं को होना, समाज में विमर्श होना, डिबेट्स का होना, चर्चा होना, ये अच्छा है, ये बात बिल्कुल सही है। संगीत सोम को भी आप विद्वानों की कैटेगरी में रख रहे हैं जिनका कि काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। नहीं, मैं पीएनओ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पीएनओ की बात कर रहे हैं। खैर, हसन दहलवी जी हमारे बीच हैं, हसन दहलवी जी से एक बार बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। मौलाना साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो ताजा विवाद है और जिसके पृष्ठभूमि में यह है कि पीएन ओक ने बहुत पहले एक पुस्तक लिखी कि ताजमहल जो है वह एक समय मंदिर हुआ करता था, या फिर अभी जो बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी जिक्र कर रहे थे कि कई सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं और इतिहासकारों ने इस बात पर प्रश्न उठाया है कि क्या वाकई जो है वह जो ताजमहल जो है वह महज मुमताज की याद में जो है शाहजहां ने बनाया था क्या? आपकी जो एक तरह से कह सकते हैं समाज है या जिस धर्म को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उसमें यह एक रूपता है कि यह जो है एक महज स्मारक के तौर पर इसको रखा जाना चाहिए, प्रेम की निशानी के तौर पर ना देखा जाए, या फिर ये कि जो ताजा विवाद है उसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी में कोई चिंता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ एक भारतीय मुस्लिम, एक भारतीय की हैसियत से बात करना चाहता हूँ। तीन चीजें मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ। पहली चीज, किसने क्या लिखा नहीं, मेरे नजदीक रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़े भारत को समझने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन होक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कहा इतिहास के कगाल पे एक आंसू है और आज हमको नजर आ रहा है कि उस आंसू की क्या क्या हम विश्लेषण करते बैठे हैं। देखिए,
दो चीजें आपको समझनी। पहली चीज जो बार बार इस बात को कहा जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ बैठ के सिर्फ शाहजहां को गाली नहीं बक रहे हैं, बल्कि हम लोग उन शूरवीरों को, उन राजपूतानों को जो मुगलों के साथ, मैं तो प्रधानमंत्री को सलाम करता हूँ कि जब वो ताजिकिस्तान गए तो वो पहले मुगल जो इतने भारत में आए तैमूर के मज़ार पे, और जब वो यंगून गए तो आखिरी मुगल जो है बहादुर शाह के मज़ार, दोनों पे गए और उन्होंने बताया कि जो भी भारत से जुड़ा हुआ हम उसका सम्मान करना जानते हैं, ये भारतीयता है। दूसरी चीज़, शाहजहां ने क्या करा, हमारे बंसल साहब अभी बात कर रहे थे, हमारे बीजी के प्रवक्ता कर रहे थे, वो विद्वान हो सकते हैं, मैं अपने आप को विद्वानों में नहीं बल्कि मैं तो विद्वानों के चरणों में बैठ के सीखने वाला हूँ जो भारतीयता से सीखता है। ताजमहल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का शिखर और ताज है। दूसरी चीज को समझना पड़ेगा कि ताजमहल वो ताजमहल है जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता, उनको मालूम होना चाहिए कि एक और महल है भारत के अंदर जो आपके उदयपुर में है, जहां दुनिया के सारे सेलिब्रिटीज शादी करने आते हैं, बड़ी बड़ी शादियां होती हैं। और शायद आपके ज्ञान के लिए छोटे मुंह से एक बात बता दूं, वहां शादी की बुनियादी वजह भी शाहजहां और मुमताज है। जब जहांगीर ने शादी करने से मना कर दिया कि शाहजहां की शादी मुमताज महल से नहीं होगी, तो उनकी ननिहाल उदयपुर ने उनको बुला के, उनके मामू ने उनकी शादी उसी महल में कराई थी। इसलिए यहां अगर हम कहें वो क्या था, वो मंदिर था या क्या चीज था, हम उस वक्त के हिंदुओं को, उस वक्त के राजपूतानों को, उस वक्त के उन शूर वीरों को गाली बकते हैं जिनके सामने जो है धर्म का, आप सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है बोलिएगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी उस वक्त का शूरवीर हिंदू जो इतनी बड़ी देवजानी बेइज्जती को बर्दाश्त करता। और एक आखिरी चीज, इस्लाम का वाज़े नियम है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मेरे दो बड़े विद्वान यहां बैठे हुए हैं, मैंने भारतीयता को इस्लाम से पहले सीखा। मैंने ये सीखा कि जब रावण का वध हो गया और यानी उनके भाई जो हैं, भगवान राम के भाई जो थे, वो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि इनके सर के पास जाओ, उनके जाके सीखो। जहां मरने के बाद भी हम लोगों का अदब और सम्मान करते हैं, आज वो मोहब्बत की निशानी है क्या है, दुनिया वहां पे पहुंचती है। इसलिए मेरा कहना ये, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, मेरे नजदीक वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बड़ा, आपके लिए जो सो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बड़ा नमूना है। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी भी हैं। जिस पीएनओ की किताब का जिक्र किया जा रहा है, वो किताब कोई आज नहीं आई, वर्षों पहले वो किताब आई हुई है। सवाल उठता है कि आज ताजमहल के अस्तित्व को लेकर बहस क्यों, कि वो जो है मकबरा है या फिर जो है वह पुराने समय में मंदिर हुआ करता था। ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो भी तब जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। क्या इस वजह से तो ऐसे लोगों को बल नहीं मिल रहा है जो कि इस तरह के फसाद को खड़ा करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ इतिहास को करेक्ट करने की कोशिश है? थोड़ा सा मौलाना साहब को करेक्ट कर दूं कि रावण के वध के पश्चात ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, ना तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, ना वाल्मीकि रामायण में, कि लक्ष्मण ने जाके रावण से शिक्षा ली हो, क्योंकि उसका वध ही उसके अधर्म के कारण। रामानंद सागर की छोड़िए, मैं आपको तुलसीदास जी का विरोधाभास हो सकता है, इतिहास है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको वाल्मीकि रामायण बड़े महान जिनको दूसरी बात अच्छा एक सेकंड की बात पूरी हो जाए फिर हम आते हैं मौलाना जी आपके पास। देखिए मैं अपने कथन की शुरुआत करूंगा, रावण ने जो रचा था जो तांडव स्त्रोत, वो कि जटाटवी गलत ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांग भुजंग तुंग महालिखम डमट 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 निवनाद वट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। भगवान शिव कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए कहते हैं कि कंकर कंकर भी शंकर हो जाता है। और रही बात ताजमहल की, 2015 में आगरा की जिला अदालत के अंदर मुकदमा डला था इस बात को लेके कि वहां तेजो मालिया मंदिर था, और उसके लिए एएसआई की उस रिपोर्ट का हवाला दिया गया कि जो नीचे के दो जो बेसमेंट हैं, नीचे के दो जो ग्राउंड वो है जो बेसमेंट के फ्लोर हैं, उसमें लाल पत्थर की इमारत है, और वो इमारत जो है वो 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच की है, जबकि ताजमहल बना है 16वीं शताब्दी के बाद में। तो इसलिए वो गौतम जो कह रहे हैं उसी पर हम समाजवादी नेता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। भदौरिया जी, चूंकि जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के पहले अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, भदौरिया जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ताजा विवाद है और कहा यह जा रहा है कि बकायदा 2015 में आगरा में बकायदा एक मुकदमा भी जो है दर्ज किया गया जिसमें कि यह कहा गया कि वहां पर मंदिर जो है पहले था, आपकी पार्टी जो है इसे किस नजरिए से देखती है? क्या यह एक फिजूल का विवाद है, राजनीतिक हल्ला गुल्ला है, या फिर एक ऐसा सच जिसको तलाशा जाना चाहिए? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है और इस तरह के फिजूल धर्म की बातें करके फिर 15-20 साल के लिए इसलिए पब्लिक उनको लात मार के भगा देती है।
अभी देखिए लात मार के जैसा शब्द मुझे लगता है कि बदौरिया जी से परहेज रखना चाहिए। मैसी वाली जो अभी अभी आप बदौरिया जी आप अपनी बात रखें, मेरा आग्रह सिर्फ शालीनता को लेकर समाजवादी संस्कार मत दिखाएं। संस्कार नहीं, ये वो पार्टी है जो पूरे देश को बर्बाद करके जाएगी। जो रोजगार की बात करनी नहीं करें, पूरे वर्ल्ड पूरा विश्व में चले जाइए, ताजमहल की इज्जत होती है। और जो आपके सामने पंडित जी तिलकधारी बैठे हैं ना, एक नंबर के झूठे, जिनको ये भी नहीं पता है कि दुनिया में भारत में कहां-कहां लोग रहते हैं। मौलाना भदौरिया संसदीय भाषा बोलिए, उसी भाषा में जवाब दूंगा। मौलाना भदौरिया झूठी आपकी पार्टी है, हत्यारी आपकी पार्टी है, गुलाम भक्तों में गोली चलाने वाली है भारत में। आपकी पार्टी का जो आग्रह है भाषाई शालीनता होनी चाहिए, दोनों तरफ से आग्रह दोनों पास है। जवाब में लगाम दो पंडित जी शालीनता से बात रखें। भदौरिया जी आप अपनी बात रखें, नहीं झूठे भाषाई शालीनता होनी चाहिए। जितने भी अवगुण है वो सारे आपकी पार्टी में, राम भक्तों की अत्यारी पार्टी आज की तारीख के अंदर 25 सीटों में सिमट गई। पंडित जी पहले हम भदौरिया जी को सुन लेते हैं। सर भदौरिया जी से एक ही आग्रह कि सिर्फ भाषाई शालीनता हम बनाकर रखें। भाषाई शालीनता इनके पास है, नहीं रुकेंगे आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, किस बात की राजनीति चमकाना चाहते हैं। और ये कहते क्या है कि मैं सबसे बड़ा हिंदू है, किस बात के हिंदू है? हिंदू मतलब होता है सबका सम्मान करना, सब धर्म का सम्मान। मेरा आग्रह ये कि बात हम लोग ताजमहल को लेकर कर रहे हैं, ताजमहल से मैं आपकी पार्टी का नजरिया जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी इस पूरे विवाद को किस तरीके से देख रही है। मैं देख रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश में विकास चाहते नहीं है, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। ताज को तो हमने सजाया है, संवारा है, आगे भी सजाएंगे संवारेंगे। वो हमने आपने तो इफ्तार की पार्टियां भी करी है, आपने तो टोपी लगाकर नमाज भी पढ़ी है। ये तो सारा पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से इफ्तार की पार्टी में सर पे टोपी लगाकर नमाज पढ़ते थे आप, तो वो तो वहाँ विस्तार पार्टी करने में, नमाज पढ़ने में और सरकारी पैसे विस्तार की पार्टी करने में। पंडित जी विनोद बंसल जी की राय जान लेते हैं। ताज जो पहचान है पूरी दुनिया में, दुनिया के सात आश्चर्य। भदौरिया जी दोनों से नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी, इस तरह की किसी भी भाषा का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम दोनों आप दोनों को नहीं सुनेंगे। विनोद बंसल जी मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो विवाद है, आप ध्यान रखें कि जिस पीएनओ की किताब का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ताजमहल की बुनियादी पहचान जो है दुनिया के सात आश्चर्यों में से है, सात अजूबों में से है। क्या यह जो है हम मंदिर तलाशेंगे अगर उसके अंदर, ये जो आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्य इस तरफ भी इशारा करते हैं, आखिर यह खत्म कहां होगा? क्या फिर एक के बाद एक जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि मध्यकालीन भारत के दौर में उन्होंने आकार लिया, क्या हम उन सबकी विश्वसनीयता चेक करेंगे कि क्या उसके पहले वहां कुछ था? क्या यह सिलसिला कहीं खत्म होगा, या फिर आप मानते हैं कि इस विवाद को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए? नहीं विजय जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं इसमें। देखिए कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये जो ताजमहल है भारत के लिए एक अभूतपूर्व इमारत है और निश्चित रूप से हमारे लिए मेट्रो प्राइड है। लेकिन इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जिस तरह से पेश किया जा रहा है उसको एक बार चेक करने की करेक्ट करने की आवश्यकता है, ये आप भी मानते हैं इस बात को। जहाँ तक इसका सवाल है कि ये तेजो महल था कि नहीं था, इसके बारे में मैं आपको दो तथ्य और देता हूँ। आपको मेरी आज ही बात हुई हमारे जो वहाँ के जो प्रांत संगठन मंत्री है, उन्होंने कहा भी देखिए जैसे उन्होंने एक तो केस का बताया आपको रेफरेंस दिया, दूसरी बात ये कि वो स्वयं भी कुछ वर्ष पूर्व नीचे तक जाके आए जहाँ जो मकबरा है, मकबरे के नीचे भी दो जो ग्राउंड हैं, जो फ्लोर हैं, उन फ्लोर के अंदर वाकायदा शिवालय के चित्र हैं और वहाँ शिवालय था। वो बाद में जो है ना वहाँ पे एक एएसआई के वो जो एक अधिकारी आए थे जो जिन्होंने जानबूझ करके वहाँ से सारी चीज़ों को हटाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि उसमें जो शिवालय की जो अवशेष हैं और जो जो चीजें हैं वो आपको अभी भी मिलेंगी। लेकिन उनको सील कर दिया गया, सील कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई साक्षी मौजूद नहीं है जिसको हम मान सकें कि वहां पर मंदिर मौजूद था। देखिए अभी 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 हमें थोड़ा एक छोटे से ब्रेक की दरकार है, ब्रेक के बाद हम आएंगे इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन समस्या ये है, सवाल ये है कि ब्रेक से आने के बाद से हम ये भी मौलाना हसन दहलवी से जानना चाहेंगे कि जो वीएसपी की जो बात कह रही है कि इस तरह के कोई सबूत वहां मिल रहे हैं, क्या वाकई उस तरह के कोई सबूत हैं या फिर सिर्फ ये बात हवा में हो रही है? मौलाना हसन दहलवी से हम बात करेंगे ब्रेक से लौटने के बाद। बिल्कुल।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बताना तो पड़ेगा, और आपको बता दें ताजमहल को लेकर भी जो है देर सवेर विवाद शुरू होता रहता है, और इसमें और जो है इजाफा होता गया क्योंकि शिव चालीसा भी कल वहां पर हो गई। ऐसे में इतिहास को फिर से लिखने की, इतिहास को दोहराने की बात हो रही है कि नए सिरे से लिखने की भी जरूरत है। और आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान जो है जुड़े हुए हैं, अथर दहलवी, मुस्लिम धर्मगुरु पंडित अजय गौतम लगातार जुड़े हुए, विनोद बंसल जी, नेता विहिप जुड़े हुए, राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए, बीजेपी के नेता अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, एसपी के नेता हैं, ब्रिजेश कुमार सिंह एडिटर जी हिंदुस्तान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं ये विवाद जो है वो थमने का नाम तो नहीं ले रहा है, हाँ ये कह सकते हैं कि डिबेट जो है वो लगातार जारी है। अब हम रुक कर लेते हैं अथर दहलवी जी का, आप लगातार जाते रहे वहां पर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ मंदिर की निशानी है या कुछ मूर्ति या फिर कुछ ऐसा प्रतीक चिन्ह जो कि यहां पर दावा किया जा रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी निशानी मौजूद है जिससे यह साबित होता है कि वहां पर तेजो महल था? देखिए ऐसा नहीं, वैली चीज को किसी भी किताब के प्रमाण के लिए, अब जैसे हमारे बंसल साहब यहाँ कह रहे हैं, इनको मैंने मैगन हैतन की मशहूर किताब है द जैन मंदिर वाय द डिस्ट्रॉयड, इसमें उतने वजाहत के साथ इस बात को लिखा कि गदलवी से लेकर जितने भी लोग आए, और अगर आप देखिए कि यानी माउंट आबू से लेके और कुतुब मीनार तक जितने भी मंदिर तोड़े गए उसमें मैगलर ने लिखा कि क्या वजह थी कि सारे के सारे जैन मंदिरों को तोड़ा गया, और उसके पीछे पूरा लिखता है कि प्रोत्साहित करने वाले वो हिंदू लोग थे जिनका मानना यह था कि जैनिज्म जो है वो धर्म पुनरुत्थान के नाम पर एक बड़ा वो था, इसलिए उनको बाकायदा प्रोत्साहित किया गया कि आप सारे जैन मंदिरों को डिस्ट्रॉय कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, आप इस तरह से भाग रखते हैं का मंदिर तो नहीं, नहीं मैंने आपने आपने पूरी बात सुनी नहीं, आपने सुन तो लीजिए फिर जवाब दे दीजिए, फिर आप पूरा जवाब दीजिए, पूरी बात कर लीजिए। इसीलिए लेकिन जब वो मंदिर भी वहां पे मीनार बन गई तो मसला सबसे बड़ा ये था कि क्या वहां नमाज होगी या नहीं होगी। उस वक्त के उलामा की बात कर रहा हूं, मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा, मैं कुतुब मीनार पे आ रहा हूं, आपकी किताब का हवाला दे रहा हूं। चलो, मैगलन ने कहा कि चूंकि सारे जैन मंदिरों को तोड़ा गया और उसमें कुछ हिंदुओं ने भी ये कह के चूंकि धर्म पुनरुत्थान इसी बुनियाद पे हुआ था इसलिए इसको आप बना सकते हैं, मगर वहां किसी मुसलमान ने कुमतुल इस्लाम में नमाज नहीं पढ़ी बल्कि बाहर के हिस्से में पढ़ी कि चूंकि यहां पर मंदिर के अवशेष थे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। जब मस्जिद के लिए हो सकता है, कब्र के लिए भी वजाहत के साथ उसूल है, आसपास कोई, यहां तक के किसी मस्जिद के सहन में भी, मस्जिद बाद में बन जाए बाद की चीज है, तो मेरा मानना यह पूरी सच्चाई के साथ मैं कह रहा हूं वहां ऐसे कोई अवशेष नहीं। और फिर भी अगर लगता है तो सत्ता में ही है, भाजपा केंद्र में भी है, भाजपा इस वक्त जो है वो यूपी के अंदर भी है, संस्कृति मंत्री भी इनके हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी इनके पास है, हर चीज इनके पास है। लेकिन मैं एक आखिरी बात कह के, हमारे एडिटर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की नियत पर कोई शक नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ इतना कहना है आप हर मुद्दे को सिर्फ छोटा तक कह के छोड़ क्यों देते हो? सत्ता में आने से पहले आपने इतने जोर शोर से जो राम सेतु का मुद्दा उठाया, यहां तक आपने प्रमाण दिए कि साहब हमारे सारे फोटो हमारे पास मौजूद हैं, उस जहाज के कॉरिडोर तक को भी आपने रोक दिया, आज आप उन मुद्दों को छोड़ के ताजमहल पे आ गए। अरे इतिहास तो ये कहता है कि श्रीनगर का नाम आज तक नहीं बदला गया, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए, नहीं बदला गया, बदलते राम सेतु का मुद्दा उठाया, और पीछे तर्क यह है कि हमेशा आप नए मुद्दों को उठाते हैं इसलिए कि पिछले मुद्दों पर आपके पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं होता है, क्या बात बस इतनी ही है या फिर जो है इसमें कोई तथ्य है या फिर क्या इस तरह के विवादों को आगे बढ़ाकर हासिल क्या होगा? ब्रजेश जी दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, दहलवी जी ने एक बात कही जैन मंदिरों वाली बात, ये एक बात उन्होंने टीवी चैनल पर एक्नोलेज किया, निश्चित रूप से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, वो ठीक है, साथ किसने किसका दिया वो तो आपको नहीं पता ना, मुझे पता नहीं, अभी 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 वो फिर एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन मैंने सुनो, मैंने नहीं कहा, आपने जो कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने आपकी बात को कहा है जैन मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई, आपने साथ साथ कहा है, मैं कह रहा हूँ जैन मंदिरों के साथ साथ और शेष मंदिरों को भी तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बनाई है, एक बात। दूसरी बात ये भी है, देखिए ये सार्वभौमिक सत्य है कि किस तरह से मुगलों ने राज किया और किस तरह से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया, कौन नहीं जानता इस बात को कि हजारों की संख्या, 30,000 मंदिरों की लिस्ट तो हमारे पास है जी, जहां पर मंदिरों को तोड़कर वहां मुस्लिम मॉन्यूमेंट खड़े किए गए। मुझे बताइए आखिरकार ताजमहल के बारे में जाएंगे, कह रहे हैं कि मैं कई बार गया और ये मकबरे के नीचे आखिरकार क्या है, वो जो गेट बना हुआ है जो पहले खुला हुआ था आखिरकार उसको बंद क्यों कर दिया गया और उसके अंदर है क्या जी, मैं उसका इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिक्कत क्या है किसी को? और एक और बात, जामा मस्जिद के नीचे पूरी डिबेट
काशी विश्वनाथ जैन मंदिर नहीं था, राम जन्मभूमि जैन मंदिर नहीं था, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि जैन मंदिर नहीं था, भगवान जैन मंदिर नहीं था। राकेश त्रिपाठी को लेकर आना चाहूंगा। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के नेता हैं। राकेश जी, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है या फिर पंडित अजय गौतम जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि 30,000 ऐसे मंदिरों के बारे में जानकारी है इन्हें जिन्हें की बाद में मस्जिद की शक्ल दे दी गई। अगर आप ये बताएं कि अगर एक के बाद एक मध्यकालीन भारत में या उसके पहले जो भी इस तरह के, जैसे कि मौलाना हमारे पास हैं, वो कह रहे हैं कि कई जैन मंदिरों को भी तोड़ा गया उस वक्त, क्या अगर हम इतिहास को रिविजिट करना शुरू करेंगे यह सिलसिला कहां जाकर खत्म होगा? क्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उसके बाद से पूरा भारत, क्या हम तमाम जो हमारे बर्निंग इशूज हैं उनकी जगह हम इन मंदिर मस्जिद के रिविजिट में ही अपना समय बर्बाद करेंगे या फिर जो हम आगे की सोचेंगे? मान लीजिए इतिहास में अगर कुछ हुआ, क्या इतिहास की हर करेक्शन को अभी ठीक करना यह हमारा टॉप एजेंडा है या फिर विकास जिसके नारे के सहारे मोदी सरकार सत्ता में आई? सर अगर आप याद है, एक छोटा सवाल मैं भी करना चाहता हूं। सवाल हो चुका है, जरा वो जवाब दे दे फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा कहना यह कि हम किस त्रिपाठी जी आपका जवाब हम चाह रहे हैं, मैं उसी में सवाल को जोड़ रहा हूं। मेरा कहना यह कि मैं उन महान यानी प्रधानमंत्री की बात को मानूं जो जब जापानी वजीर आजम आते हैं और उनके साथ वो उस मस्जिद तक जाते हैं जो अहमदाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद जिसको आप खूबसूरती के अधबार से और भारतीय कला की वो है, तो हम किसकी बात को माने? वो प्रधानमंत्री जो भारत के अंदर सांस्कृतिक या आर्कियोलॉजिकल इस तरह इमारतों के टूरिज्म को दुनिया को बताना चाहते हैं या संजीव सोम या अन्य लोगों की माने? इसी मंच से कहा था कि प्रधानमंत्री उस अक्षरधाम मंदिर पर भी ले जाते हैं हिंदुओं के, जहाँ हिंदुओं का नरसंहार किया था उन जिहादियों ने, और उसके बाद वो बरी भी हो गए एक्सप्रेस और उसके बाद बरी भी हो गए हाई कोर्ट में, बरी भी कर दिया भक्तों को, उसके बाद हाई कोर्ट में बरी भी हो गए। हमने तब भी ये बात, अरे भैया इतिहास जानता बुद्ध भिक्षुओं के जिन्होंने सर काटे उनको भी इतिहास ने माफ कर दिया। मौलाना साहब मुझे लगता है कि मेरी पूरे पैनल से अपील ये है कि हम लोग जो आज का विषय है उसके इर्द गिर्द रहे, अन्यथा जो है पूरा का पूरा कैनवास इतना लंबा हो जाएगा कि हम किसी चीज की बात चर्चा नहीं कर पाएंगे विस्तार से। राकेश त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे था कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर केंद्र की जो मोदी सरकार है उसका एजेंडा जो तमाम मस्जिद है उनके इतिहास को रिविजिट करना है? इतिहास में अगर मान लीजिए एक पल को मान भी लें कि भूलें हुई हैं, गलतियां हुई हैं, अत्याचार हुए हैं, उनको करेक्ट करने पर आपका जोर होगा या फिर विकास के नारे के सहारे जो सरकार दोनों जगह आई केंद्र में और राज्य में उस एजेंडे को आगे बढ़ाना होगा? प्रजेश जी, एक बहुत पुराना कथन है कि वो राष्ट्र समाप्त तो हो जाता है जो अपने इतिहास को भूल जाता है, और किसी भी राष्ट्र को स्वाभिमान युक्त तभी खड़ा हो सकता है जब वो अपने इतिहास से इतिहास याद रखिए। मैं विनम्रता नहीं, तो आपने एससीओं के साथ किया, हिंदू में हिंदुओं ने हिंदुओं के साथ क्या किया? अगर आप इतिहास याद करने जाएंगे सर, इतिहास याद करने जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी, आप अपनी बातों को पूरा करेंगे, आपसे दरख्वास्त है कि कृपया आप अभी फिलहाल शांत रहें, आपका रुख फिर से करेंगे। ठाकुर पंडित ऐसी जमार सब की बात कीजिए, फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपने क्या अत्याचार किया है? आपने लोअर कास्ट सर, सवाल किसी और से किया गया है, जवाब आप दे रहे हैं। क्या अत्याचार किया आपने? आप जब तक नहीं जवाब भदौरिया जी, क्योंकि इतिहास की बात करते हैं, मैं इनको इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। अगर भारत के इतिहास के पीछे जाएंगे तो हिंदू 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 आपस में लड़ जाएगा, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएगा। चलिए हम अजय गौतम जी का रुख कर लेते हैं। पंडित अजय गौतम जी, एक बात बताइए, ये जो भी कुछ चल रहा है, इतिहास की हम बात कर रहे हैं, इतिहास को फिर से लिखने की बात कर रहे हैं, दोहराने की बात कर रहे हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि जो ताजमहल है वो तेजू महल था, इसका समाधान आपको क्या लगता है? देखिए समाधान की जहां तक बात है, पहली बात तो मैं बता दूं, पूरी दुनिया में ये कह के कहा जाता है कि वो एक प्यार की निशानी है। मैं समझ नहीं पाया कि हमारे यहाँ प्यार का एक बड़ा बहुत एक पवित्र मतलब माना गया। एक बादशाह जिसके हरम में 500 महिलाएं थी, उसके बावजूद वो उसने क्लेम किया कि वो मुमताज महल से प्यार करता है, मुमताज महल से की मृत्यु के पश्चात भी उसकी बहन से शादी कर लेता है। अकबराबादी महल को, अकबराबादी महल को, अकबराबादी महल कौन थी? सुन लीजिए, अकबराबादी महल कौन थी बताओ? अकबराबादी महल कौन थी? अकबराबादी महल कौन थी?
अकबरावादी महल कौन थी? अकबरावादी महल कौन थी? बताओ ना अकबरावादी महल कौन थी? अकबरावादी महल कौन थी? बताओ अकबरावादी महल कौन थी? बताओ अकबरावादी महल कौन थी? अकबरावादी महल कौन थी? अकबरावादी महल कौन थी? अकबरावादी महल कौन थी? बताओ ना विषय के आप सभी से मौलाना दहलवी जी आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप बिल्कुल इस तरह के भाषा का इस्तेमाल न करें। पंडित जी आपको बताएं पंडित जो लगातार जो अनुवेश चल रही है यहाँ से मुझे मालूम टकने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब हो रही है मौलाना साहब एक सेकंड जो शब्द इस्तेमाल करो 10 बार सुनोगे मौलाना आप दोनों अपनी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें अन्यथा डिबेट को ही रोकना पड़ेगा। हम आपसे अपील कर रहे हैं मौलाना साहब आप भी शांत हों। विनोद बंसल जी एक सेकंड मेरा सवाल विनोद बंसल जी से है। चैनल है अजय जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप लोग देख रहे हैं कृपया टिप्पणी ना करें। कौन सा पंडित जी वर्ड यूज किया किसी के लिए? आप लोग शांत हो जाएंगे पर आप लोग शांत पर आते मैं विनोद बंसल जी से मेरा सवाल है। विनोद बंसल जी पूरी चले आप विनोद बंसल जी अरे बंद भी करिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो है अजय जी मौलाना जी ताजमहल के कैंपस में शिव चालीसा पढ़कर क्या एक प्रोवोकेशन नहीं दिया जा रहा है? क्या कल से ये होगा कि तमाम जो धार्मिक जगह जो है तमाम ऐसे मेमोरियल जो है जिसके इतिहास को लेकर विवाद रहा है क्या उन सभी जगहों पर परस्पर एक धर्म की जगह पर दूसरे धर्म के लोग जाकर इस तरह का प्रोवोकेशन करेंगे? क्या यही रास्ता है? नहीं ब्रजेश जी देखिए मैं वही बात आने वाला था। मेरे से ये पॉइंट छूट गया। अच्छा कि आपने मेरे को रिमाइंड करा दिया। क्वेश्चन इज दैट आज जहाँ से मामला शुरू हुआ कि भाई वहाँ पर शिव चालीसा का पाठ किया गया, मैं कहता हूँ कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जहाँ पर ये नमाज नहीं होती? क्या ताजमहल में नमाज नहीं होती? अगर नमाज होती है तो क्या शिव चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? ऐसा कहीं कहीं कोई रिटन में कोई इंस्ट्रक्शन है कि वहां पर अपने नमाज तो पढ़ सकते हो लेकिन सिर्फ चालीसा नहीं पढ़ सकते? एक बात मेरी बात पूरी होनी चाहिए। एक मिनट सर, और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार जब लोग पब्लिक प्लेस पर और सड़क पर बैठ करके और रेलवे स्टेशन में और रेलवे की पटरियों पर और दूसरा रेलवे के डिब्बे में बैठ करके बिछा करके नमाज पढ़ सकते हैं तो मैं क्या मॉन्यूमेंट में क्यों नहीं कर सकता? इसमें कोई कानूनन कोई उल्लंघन नहीं? एक सेकंड मैं अंत बात में पूछना चाहता हूं। अभी मौलाना दहलवी जो है मैं हमेशा से देखता हूं बड़ी शालीन बहस करते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया इनको। मैं पूछना चाहता हूं जिस महिला का नाम इन्होंने लिया पंडित अजय गौतम ने उसको जरा स्पष्ट भी तो करें आखिरकार ये कौन थी? और लेकिन 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 बड़ी गंभीरता के साथ मैं और जब इसकी मृत्यु हुई थी मुमताज महल की वो कौन सी मतलब कौन सी औलाद थी? मतलब सातवीं दसवीं ग्यारहवीं औलाद थी जब उसका मौलाना साहब को अपनी बात रखने उनकी जो मलका थी वो मुमताज महल जिसका नाम अर्जुमन बानो था, उनकी दूसरी बेगम थी सरहंदी बेगम जिनके नाम से मस्जिद कश्मीरी गेट पे आज भी मौजूद है, उनकी तीसरी बेगम थी फतेहपुरी बेगम जिनके नाम से मस्जिद फतेहपुरी बेगम है, उनकी चौथी बेगम थी अकबरी बेगम जिनकी मस्जिद सुभाष पार्क मेट्रो स्टेशन के पास है जिस पर अभी भी वीएचपी की तरफ से जो है एक मुकदमा डाला हुआ है। इस्लामी कानून के मुताबिक कोई राजा या आम कोई भी व्यक्ति हो एक वक्त में चार से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकता। मुमताज महल के बाद जब ये हुआ
औरंगजेब ने उनको बाकायदा जो उनको वहां पे कैद कर दिया गया और पूरी जिंदगी, चूंकि उनकी तीनों बीवियों का इंतकाल हो चुका था, वो अपनी बेटी जहां आरा के साथ रहे वहीं उनका आखिरी वक्त गुजरा। पूरा इतिहास की मौत के बाद उसने कोई शादी नहीं की, अकबरी बेगम की शादी पहले हो चुकी है। कब करी थी शादी? अरे अकबरी ने करी थी। आज हम सेल में मुमताज बनी थी। अब ये सेल में नहीं है। मैं तो गुजरात तक जाकर मालूम हो गया कोई शादी नहीं करी। और हम मुद्दे पे आते हैं। कृपया आप लोग शांत रहें, कृपया आप लोग शांत रहें। चुकी है लेकिन जो है मुद्दों को जाहिर है शांति एक दूसरे के पक्ष इतने मजबूत हैं, अपनी बात पर लोग अड़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के मुद्दों पर विवाद कब तक और कितना आगे बढ़ता रहेगा, एक बड़ा सवाल है। सबको इस पर सोचना चाहिए। फिलहाल बताना तो पड़ेगा इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े रहे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। हमने आपसे सवाल पूछा था, सवाल का जवाब जो है हम ब्रेक के बाद आएंगे तो आप तक हम पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन। और ब्रेक के बाद अब वक्त है आज पूछे गए सवाल का जवाब बताने का। हमने आपसे पूछा था कि ताजमहल को लेकर क्या इतिहास बदलने की हो रही है कोशिश। 45% लोगों का जवाब हां है, 47% लोगों का जवाब नहीं है और 0.8% लोगों का कहना है बताना है। तो आप देख रहे थे बताना तो पड़ेगा। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान, खबरें लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर।